हेलो स्टूडेंट्स, आज आप डिस्कस कर जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ग्राफिकल मैथड ना आप क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने को, एक्सरसाइज 3.2 द क्वेश्चन की कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द इक्वेशन। दो इक्वेशन दी आपको, इन्हों का आप ग्राफ ड्रॉ करना है। उस तो बाद जो एरिया है, मतलब इन्हों का आएगा कॉमन एरिया, वो आप शेड करना है, ओके, विद एक्स एक्सिस। उस तो बाद आप इनका एरिया फाइंड करना है। तो सब तो पहले आप जो ग्राफ बनाने लिए आप रिक्वायर्ड पॉइंट है, सब तो पहले आप पॉइंट फाइंड करा। सो इक्वेशन इज़ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन। जो प्लस का वन है बेटा राइट साइड से जाके माइनस वन है, तो अपने को इक्वेशन की बनी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन। हुण आप पॉइंट फाइंड करने हैं, पॉइंट आप ज़्यादा नहीं कुछ लिखने, आप दो बार लिखा, एक बार एक्स जीरो दूजी बार वाई जीरो, एक्स एंड वाई। सब तो पहला एक्स की वैल्यू कि आई अपने को जीरो, जो एक्स जीरो आया तो वाई कि आ गया अपने को प्लस वन, जो वाई जीरो आया तो एक्स की वैल्यू कि आई अपने को माइनस वन। सब तो पहला एक्स जीरो तो वाई की वैल्यू वन, जो वाई जीरो तो एक्स की वैल्यू कि आई माइनस वन। हुण सैकेंड इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं, थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व। जो माइनस ट्वेल्व है राइट साइड से जाके प्लस होया। हुण आप इसे वैल्यू पुट करांगे, आप सेम एक्स एंड वाई, जो एक्स जीरो तो वाई सिक्स, जो वाई जीरो तो एक्स की वैल्यू फोर। ये तो चंगी तरह पता ही है भी आप वैल्यू किमें फाइंड करते हैं। हूँ आप एक ग्राफ ड्रॉ करा, ये अपने को वाई एक्सिस, दैट इज़ आवर एक्स एक्सिस। देखो हाईएस्ट वैल्यू कि अपने को सिक्स, तो आप सिक्स तक प्लॉट करा, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, हेयर माइनस वन माइनस टू, माइनस वन एंड माइनस टू, दैट इज़ अवर ओरिजन। माइनस की वैल्यू मैं घट लिखी क्योंकि माइनस की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, माइनस द वन, ओके, मैं सिर्फ इन्नी लिखिया। हुण आप पहली इक्वेशन लिए ग्राफ बनाने, जो एक्स जीरो तो वाई की वैल्यू वन, इस पूरी लाइन जिन्होंने आप वाई एक्सिस कहेंगे, इस पूरी लाइन पर एक्स की वैल्यू जीरो है, इस पूरी लाइन पर वाई की वैल्यू जीरो। जो एक्स जीरो तो वाई की वैल्यू वन है, मीनस ये पॉइंट है अपने को, जो वाई जीरो है तो एक्स की वैल्यू माइनस वन है, ये पॉइंट आ गया अपने को। हुण इन दोवों आप एक लाइन के इनक्रीज कर देंगे, ओके। सो लाइन द इक्वेशन की अपने को एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, ये अपने को फस्ट लाइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन। उस तो बाद सैकेंड लाइन के पॉइंट प्लॉट करते हैं, जो एक्स जीरो है तो वाई की वैल्यू सिक्स, ये पॉइंट आ गया एक्स जीरो वाई सिक्स। उस तो बाद वाई जीरो एक्स की वैल्यू फोर, ये आ गई अपने को सैकेंड, इनू भी आप ज्वाइन करांगे। इन लाइन का नेम की अपने को थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व, ओके। हुण आप करना इन प्लॉट करने हैं, पर उदो पहला कि आप जो पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन फाइंड करांगे, दो लाइनों तो जो इंटरसैक्शन हो रहा है, ओके। तो देखो आप जो थले लेके आवेंगे वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है अपने को टू, जो आप इस साइड पर लैके गए तो वाई की वैल्यू कितनी आई थ्री। थोड़ा चेंज आ रहा, पर जो ग्राफ से बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, एक्स की वैल्यू टू तो वाई की वैल्यू थ्री। जे मतलब इनू आप चैक भी कर सकते इतने पुट करके, एक्स की वैल्यू टू वाई की वैल्यू थ्री, तो कि आ गया माइनस वन राइट साइड से अपने को माइनस वन। दैट मीनस अपनी इक्वेशन जो पॉइंट है बिल्कुल सही आया, दैट मीनस एक्स की वैल्यू कितनी आई टू एंड वाई की वैल्यू कितनी आई थ्री, ओके। ये आप पॉइंट फाइंड कर ले। हुण इनू आप ए नाम देता, ए टू थ्री है, ये अपने को बी पॉइंट है, बी अपने को माइनस वन एंड जीरो, ये अपने को सी पॉइंट है, दैट इज़ फोर एंड जीरो। हुण आप ट्रैंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी विच इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आप लाँगे बी सी, बेस इज बी सी, हाइट आप लाँगे इनू एम नाम देता मैं इनू ए एम, ओके, हाइट इज़ ए एम। हम देखो बी सी कि इस माइनस वन तो फोर तक जाना, तो देखो किन्ने पॉइंट अपन जंप करने पैणगे, वन पॉइंट सैकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो बी सी की वैल्यू कि आई मेरे को फाइव, बी सी की वैल्यू फाइव आ गई। हुण हाइट देखनी है, हाइट आप इस साइड लैके आवेंगे वाई एक्सिस से, वन टू एंड थ्री, ए एम की वैल्यू कितनी है मेरे को थ्री। जब मल्टीप्लाई करांगे तो आंसर कितना है मेरे को 15 बाय टू स्क्वायर यूनिट,
दैट इज़ अवर आंसर। क्वेश्चन दे विच की सी जो दो इक्वेशन दित्तियां सी, दो इक्वेशन तो पहला आपां मतलब ग्राफ बनाना सी, जदों ग्राफ बना लिया तो जो एरिया आया नूं आपां शेड करना सी, इहनूं मैं शेड करता, ये शेड करता विद द एक्स एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन। उस तो बाद जो ट्रैंगल बन रही है ए बी एंड सी, इनका आप एरिया फाइंड करना सी। एरिया का इक्वल होंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आप लिया बी तो लैके सी तक बी सी, हाइट की लई आप एम, ए एम किन्ने यूनिट है 3 यूनिट, तो बी सी किन्ने यूनिट है 5 यूनिट। तो मेरे को एरिया किन्ना आया 15/2 स्क्वायर यूनिट। दैट इज़ अवर आंसर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ग्राफिकल मतलब इक्वेशन। ओके, ग्राफिकल इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्जाम के काफ़ी बार आ भी चुके हैं।